में मच यू में इन्वारे इन्वारे सर, जैसे आप एक फॉर्म पार्टनर भी हैं और बी पी ओ को भी आप इसमें आपकी एक्सपर्टीज है तो मैं ये जानना चाहता हूँ पाकिस्तान में स्पेशली बैक ऑफिस का काफी ज्यादा ट्रेंड चल पड़ा है तो आप क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये बी पी ओ इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है और अभी जो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसमें किस तरह से अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं थैंक यू मेहताब बी पी एक्चुअली बहुत ज़्यादा अगर आप बात करें तो इन है मार्केट में इस टाइम और मैं इसको लिंक करूंगा फ्रीलांसिंग के साथ बिकॉज कोविड नाइन्टीन के आने से पहले uh, फ्रीलांसिंग लांसिंग ऑलरेडी uh, uh, बहुत ग्रो कर रही थी पावर uh, पाकिस्तान उसमें टॉप फोर डेस्टिनेशंस में शामिल था uh, फ्रीलांसिंग लांसिंग की तो कोविड नाइन्टीन के बाद ये हुआ कि उसने आप ये कह लें कि उसने थोड़ी सी ग्रोथ uh, उसमें इन टर्म्स टाइमली थोड़ी ग्रोथ ज़्यादा होगी विच पर्टिकुलर टाइम वो थोड़ा सा अर्ली उसमें ग्रोथ नज़र आना शुरू होगी और उसमें uh, उसकी बड़ी डी पर हैं uh, जिसको बाद में हम डिस्कस करेंगे फ्री uh, लास्टिंग में uh, तो एक्चुअली ये था कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे लाइक अपवर्क है फाइबर के ऊपर लोग दे रहे थे सब सर्विस अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग वगैरह की गुरु है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर सर्विसेज जो है वो फ्रीलांसिंग की अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग वगैरह की इवन फिजिलिटीज़ की फाइनेंशियल मॉडलिंग की ये डिफरेंट किस्म की अगर हम अकाउंटिंग के एंगल से बात करें अकाउंटिंग फाइनेंस के एंगल से तो उसमें ये सर्विसज ऑलरेडी वहाँ पर लोग दे रहे थे कोविड नाइन्टीन के बाद डायनामिक्स टोटली चेंज हो गए कॉस्ट सेविंग जो है वो एक फैक्टर uh, uh, आ गया इवन फॉर मल्टानेशनल दूसरी रीजन शायद ये थी स्टार्टअप uh, कल्चर ने बहुत ज्यादा ग्रो किया uh, और स्टार्टअप के पास शुरू में जो कि थोड़े लिमिटेड होते हैं एंड फुल टाइम रिसोर्स को हायर करना भी शायद प्रॉब्लम problem, प्रॉब्लमेटिक uh, होता थोड़ा सा तो ये भी एक फैक्टर था लेटर uh, ऑन uh, अगर हम गल्फ रीजन की लाइक बात करें तो वहाँ पे लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट uh, आ गया uh, कि उसमें लोकल uh, जो रिसोर्स uh, हैं उनको हायर करने uh, की रेगुलेटरी चेंजेस कुछ उसमें आई तो uh, ये भी एक फैक्टर उसमें आप कह सकते हैं कि जिसने स्पेशली इन गल्फ रीजन इसको प्रमोट किया तो uh, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके बीपीओ uh, uh, की इंडस्ट्री को ग्रो करने का बायस बने राइट uh, नाउ right अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट सिक्सटी बिलियन यू मार्केट साइज अकाउंटिंग बीपीओ का और अगर इसमें यू की हम बात करें तो ऑलमोस्ट फाइव बिलियन यू मार्केट साइज है काउंटिंग बी का तो और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है लाइक इसका सी एच आर जो उसकी एनअल आप आ, ग्रोथ रेट देखें तो अगर यू में एट नाइन परसेंट है तो आप गूगल रीजन्स में टेन एलेवन परसेंट तक ग्रोथ रेट इसमें नज़र आता है तो इसमें स्कोप है काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड मार्केट में आप देखें तो फिलिपाइंस टॉप डेस्टिनेशन है इसके लिए uh, और उसके बाद इंडिया का इसमें नाम आता है अनफॉर्चुनेटली uh, पाकिस्तान uh, में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से एनर्जी क्राइसिस की वजह से uh, इंटरनेट uh, उस तरह से अवेलेबिलिटी नहीं uh, उस तरह से स्पीड्स अवेलेबल नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं uh, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे रहे uh, लेकिन अब इसके ऊपर लाइक स्किल्स का इनिशिएटिव जब आया तो देट वॉज वेरी गुड इनिशिएटिव जिसकी वजह से आई थिंक फ्री को काफ़ी हेल्प आउट मिला जिसमें अकाउंटिंग और फाइनेंस uh, की आउटसोर्सिंग भी शामिल है uh, उसकी वजह से uh, बहुत से लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री में आए जिनको अकाउंट्स के ऊपर ग्रिप थी अकाउंटिंग के ऊपर फाइनेंस की बेसिक्स के ऊपर तो बहुत से लोग फ्रीलांसिंग वाली साइड पे आए और उन्होंने इसमें काम किया और अब उसके बाद बीपीओ के ऊपर जब थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हुई तो लोगों ने अपनी फर्म्स भी बनाई और उसमें अच्छा काम कर रहे हैं थ्रू फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स भी अदर देन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स भी लाइक के एस ए में यू ए में यू एस कैनेडा बहुत सी लाइक मार्केट्स हैं जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं राइट right. अच्छा सर ये अगर हम खास कर सी ए सी की बात करें तो जैसे आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं तो अभी इंडस्ट्री के अलावा ये भी एक अच्छी खासी डेस्टिनेशन बन गई हुई है कि लोग जिस तरह ई वाई रेपेड है काफी और कंपनीज हैं जो कि इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वहाँ पे वो जॉब को ज्यादा प्रेफर करते हैं आई डोंट नो वहाँ पे पैकेजेस ज्यादा बेहतर है जो उनको सुनने को मिलता है और पाकिस्तान से बाहर भी लोग मूव करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आप किस तरह से देखते हैं

तो प्रोफेशन की बात करें या प्रैक्टिस की बात करें ऑडिट प्रैक्टिस की तो उसमें तो सिर्फ बड़ी जो फर्म्स हैं वो इसके ऊपर मेनली काम कर रही हैं लेकिन जो बाकी अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग का है उसमें हमारी फर्म्स भी काम कर रही हैं और फर्म्स के अलावा जो बाकी कंपनीज बनी हुई हैं वो भी उसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है जो और, और इसका ट्रेंड भी काफ़ी बढ़ गया है हमारे काफ़ी बच्चे जो आर्टिकल्स के बाद मार्केट में जा रहे होते हैं और इवन जब हम अपने लिए बीपीओ डिपार्टमेंट के लिए भी हायरिंग्स कर रहे होते हैं बहुत से सीवीज ऐसे आते हैं जिसमें लोगों ने बीपीओ पी ओ के साथ काम किया होता है आ, बहुत सारी कंपनीज है और इसमें मुझे एक सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आता है आ, और उसकी मेरा ख्याल शायद रीज़न ये है क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज चूंकि इसमें ये आते हैं और करेंसी रेट एक्सचेंज की वजह से रेवेन्यूज भी बेहतर होते हैं मार्जिन बेहतर होते हैं फर्म्स के तो वो अच्छी सैलरी ऑफर कर सकते हैं जहाँ इसको अगर हम इम्प्लॉइज़ के एंगल से ट्रेनर्स के एंगल से स्टूडेंट्स के एंगल से देखें तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक अच्छी मार्केट सैलरी पाकिस्तान में ऑफ़र हो जाती है जो अदर देन बीपीओ इंडस्ट्री कम सैलरी ऑफर होती है फॉर एग्जांपल uh, अगर एक बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है अगर उसको प्रैक्टिस में हम लाइक एक लाख रुपये सैलरी ऑफ़र कर रहे होते हैं तो अगर वो सेम स्टूडेंट जो है वो किसी ऐसी फर्म के साथ ऐसी कंपनी के साथ एंगेज हो जाता है जो बीपीओ जो अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग की या और कोई बीपीओ पी सर्विस दे रहे हैं तो वहाँ पे हंड्रेड एंड ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी इवन हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड तक भी उनको सैलरीज ऑफर हो रही होती हैं उसमें थोड़ा सा हमारे लिए भी समाइम चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि हम जो बच्चे रिटेन कर रहे होते हैं वो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शाम उतनी सैलरीज ऑफर कर रहे होंगे लेकिन लेकिन बी में मार्जिन बेहतर होते हैं और वहाँ पे सैलरीज अच्छी ऑफर हो भी रही हैं और हम अपने पास भी ऑफर कर रहे होते हैं अच्छा सर इसके अलावा एक और बात देखी गई है कि बी पी ओ भी जहाँ जो लोग काम करते होते हैं ना उनको बाहर जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है रिसेंटली मैंने कुछ इंटरव्यूज भी हैं क्योंकि बेसिस पे उनकी आउटसाइड जैसे एरियाज में उनको काफ़ी अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनके पैकेजेज भी काफ़ी बेहतर होते हैं तो ये आप क्या समझते हैं अगर किसी के पास ऑडिट फॉर्म का एक्सपीरियंस है उसके बाद उसने थोड़ा एक डेढ़ साल दो साल यहाँ पे काम किया तो उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं आउटसाइड कंट्री इससे कोई तो फर्क नहीं पड़ता बेहतर uh, अपॉर्चुनिटीज उनको नो uh, डाउट no मिल जाती हैं uh, वो इस सेंस में मिलती हैं क्योंकि आपने बाहर जहाँ भी जाना है वहाँ पे आपने जब uh, uh, काम स्टार्ट करना है तो आपको लोकल एक्सपीरियंस वहाँ का चाहिए लोकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी चाहिए और अगर आप फर्म में मूव करना चाहते हैं तो लोकल फर्म का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होता है बी में काम करने का फ़ायदा यह है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए वो एक्सपीरियंस आप गेन कर लेते हैं उस लोकल मार्केट का ना सिर्फ उस लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस आपको मिलता है बल्कि वहाँ पे जो वर्किंग स्टाइल है ब, जो वहाँ पे डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं जो रिपोर्टिंग स्टाइल है वहाँ पे वो वो सारा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे लोकली मिल रहा होता है और हमने देखा है हमारे पास भी लोग काम करते रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे पैकेजेस पे भी यहाँ से मूव आउट किए हैं यू में या गल्फ में और बाकी कंट्रीज में तो और बहुत से हमारे ऐसे भी जिनके आर्टिकल्स कंप्लीट हुए हैं बच्चों के फॉर uh, एग्जाम्पल तो वो बी पी ओ फॉर्म्स को डिफरेंट उन्होंने इसलिए उनको फील होता था कि हम यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा सा गेन कर लेंगे तो हमारे लिए एक अच्छी अपरचुनिटी होगी बाहर के लिए तो वहाँ तो, बाहर जॉब अवेलेबिलिटी जो है वो उसके चांसेस बेहतर हो जाते हैं जब आपने बी पी ओ किस एरिया में काम किया सर के अलावा ग्रेजुएट्स को पे आप होगा इन जैसे कामों के लिए हायर करते हैं उनमें आप क्या देख रहे होते हैं मिसाल के तौर तो पर कोई बंदा जिसने लम्ब से ग्रेजुएशन कम्पलीट की है बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से या और बाकी यूनिवर्सिटीज हैं है या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है यहाँ पर थोड़ी सी डिफ्रेंशियन इंडस्ट्री में तो चल रही होती है क्या आप भी उनमें डिफ्रेंशियन थोड़ी करते हैं तो ये इसके बारे में बताइए एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप उनको किस पोजिशन के लिए कंसिडर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनको ऐसे बी पी ओ क्लाइंट्स के लिए कंसिडर कर रहे हैं जो रिलेटिवली स्मॉल साइज है जैसे फ्रीलांसिंग के केस में होता है या और स्टार्टअप्स अगर आपके क्लाइंट्स हैं वहाँ पे वो काफ़ी सूटेबल कह रहे हैं क्योंकि बजट्स वहाँ पे कम होते हैं और एक्सपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा उस तरह से आई की या बाकी उस तरह से एक्सपर्टीज नहीं चाहिए होती तो वहाँ पर तो ईजीली मैनेज हो जाते हैं अगर हम बड़े क्लाइंट्स की बात करें लाइक जहाँ पे हमने अकाउंटेंट से लेके लाइक सी लेवल तक डिफरेंट रिसोर्सेज जो है वो एंगेज किए होते हैं तो अकाउंटेंट के लेवल तक तो मैनेज हो जाता है इवन आप कह लें कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल तक भी जो पोजीशंस होती हैं उसमें हम मैनेज कर लेते हैं मैनेजर uh, लेवल की पोजीशंस जो हैं वो आमतौर पर चूँकि रिपोर्टिंग uh, को मेनली डील कर रही होती है और उसमें आई रिपोर्टिंग वगैरह भी uh, काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पर फिर हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हमें किस किस्म का रिसोर्स चाहिए हमें सी का रिसोर्स चाहिए या ए का जिसकी ग्रिप आई वगैरह के ऊपर अच्छी है तो अगर जो ग्रेजुएट्स हैं लाइक लम्स के या बाकी हैं नो डाउट आई बिलीव के वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को भी टच करते हैं उनको पढ़ते हैं और जो आई एफ हैं उसका भी उनको नॉलेज होता है लेकिन आई uh, एफ का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से थोड़ा सा uh, शायद उनको थोड़ा सा वो फील uh, करें कि उनको बहुत ज़्यादा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज तरह की नहीं ऑफर हो रही लेकिन अगर वो स्किल डेवलप कर लेते हैं और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लेते हैं आई रिपोर्टिंग का तो मेरा ख्याल है कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं सही माशाल्लाह सर आपने बड़ा डिटेल में ये भी गाइड कर दिया कि किस तरह से हम ना ये वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे थैंक यू सो मच मेहताब थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी थैंक यू सो मच